प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड टर्न नोटिफिकेशन ऑन। अस्सलाम वालेकुम, मैं ना फायदे में तो आज मैं आपको बताऊंगा फॉर इन लूप के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलते हैं हम डेमीवर की तरफ। डेमीवर के अंदर हम ये खोलते हैं और ठीक है, डेमीवर को खोलते हैं ओपन ब्राउज़र करके। ओपन ब्राउज़र के अंदर क्रोम खोलते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा तो इसमें मेरा अलर्ट के अंदर जो भी मैंने लिखा हुआ वो आ जाएगा। तो मैंने दिया हुआ 5, फिर उसके बाद आपकी एज क्या है, एज डी वी, फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन दे सकते हैं इस तरह। फिर हम याज बनाएंगे तो हम पहले न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज के बाद उसको सेव कराएंगे। सेव कराने के बाद यहाँ पर देंगे फॉर इन लूप, ठीक है। फिर उसके बाद डॉट एस्टीमेट, ठीक है। बॉडी के अंदर जाएंगे, बॉडी के अंदर हम बनाएंगे बटन का टैग, ठीक है। बटन के टैग के अंदर हम बनाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे इसमें लिख देते हैं स्टूडेंट ए स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के बाद जो बटन का टैग के मतलब के जो बटन का टैग ख़त्म हो रहा है स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट के डबल कोट के बाद, ठीक है। फिर हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कैलकुलेट या लॉगिंग या सबमिट। सबमिट लिख देते हैं सबमिट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्क्रिप्ट का टैग बनाएंगे। स्क्रिप्ट के अंदर हम काम करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। फिर इस तरह फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर लिखूँगा वेरिएबल। वेरिएबल में लिखूँगा स्टूडेंट, ठीक है। फिर इजिकल टू के बाद कर्ली ब्रैकेट लाऊंगा मैं। कर्ली ब्रैकेट इजिकल टू के पहले स्पेस, ठीक है। ये स्मॉल नहीं लगाना है तो हमें लगाने के लिए ये लगाना है। फिर इसके अंदर हमें नेम लिखना है, जैसे मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है। फिर डबल डॉट के बाद इसके अंदर हम डबल कोट देंगे। डबल कोट के अंदर हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हम अपना नाम देते हैं 5 देते हैं 5। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आपको दोबारा एज देनी है। एज दे देते हैं हम एज, फिर डबल कोट के बाद फिर हम इसके अंदर हम फिर वो डबल डॉट के बाद हम डबल कोट देंगे। डबल कोट के अंदर हम एज लिख देंगे 25, ठीक है। फिर उसके बाद है फिर वो लगाना आपको कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे देना है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, एजुकेशन दे दें एजुकेशन। फिर उसके बाद डबल डॉट के बाद डबल कोट के बाद आपको यहाँ पे एजुकेशन देनी। हम देते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर उसी तरह आप इस तरह यहाँ पे सेमी कॉलम लाएंगे, सेमी कॉलम सिर्फ, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर इन लूप का हम काम करेंगे, फॉर के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे फॉर, मतलब कि जहाँ पर सेमी कॉलम ख़त्म हो रहा है वहाँ से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे। और के बाद हम देंगे कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट फिर वेरिएबल आइटम इन स्टूडेंट, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट वेरिएबल आइटम इन स्टूडेंट, ठीक है। सेव कराया। सेव कराने के बाद आपको फिर दोबारा कर्ली ब्रैकेट देना है। कर्ली ब्रैकेट दिया आपने, फिर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम अलर्ट का एट्रीब्यूट लिखेंगे, ठीक है। अलर्ट पे अलर्ट के अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर अलर्ट के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट, फिर वो लार्ज ब्रैकेट होते हैं ना वो लगाने स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। फिर लार्ज ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे आइटम, ठीक है। आइटम के बाद फिर हम इसको सेव कराएंगे, फिर दोबारा हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद फिर आपको स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर सेमी कॉलम लगाना है। सेमी कॉलम के बाद ठीक है सेव हो गया। फिर हम फॉर इन लूप पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन ब्राउज़र क्रोम खोलेंगे। क्रोम खोलने के बाद जहाँ से हम सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये लिखे हैं नेम की जगह, नेम में जो हमने फाइल लिखा था वो आ गया लिखा हुआ, ठीक है। जो हमने एज लिखी थी एज लिखी हुई आ गई, और इसी तरह एजुकेशन में लिखी थी इंटरमीडिएट। तो हमारा ये आज का टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और मेरी एक वेबसाइट आ रही होगी download-freesoftware.webstar.com, मेरी वेबसाइट है, वहाँ से आप जाके कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और YouTube चैनल वहाँ से आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैं आपको नई नई वीडियो अपलोड करके दूंगा।
आप देखिएगा वीडियो को, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो अल्लाह हाफिज़।